आपके चैनल के थ्रू हम लॉन्च करना चाह रहे हैं स्पेशल कटाकट कढ़ाई। ऐसा टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रक्षा मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मैं मौजूद हूँ सुपर हाईवे पर और आपको लेकर आई हूँ एक न्यू रेस्टोरेंट पर, वो जिसका नाम है हेरिटेज। हेरिटेज एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि विद इन 2 मंथ में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। और यहाँ पर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने बहुत सुना है यहाँ के खाने, यहाँ का फीडबैक, और आप देख सकते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जैसे प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ है, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। और आपको पता है सुपर हाईवे में हमेशा कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है, लेकिन ये रेस्टोरेंट हेरिटेज एक नया रेस्टोरेंट आया है सुपर हाईवे पे, तो इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बना हुआ है और उस पर ओवरऑल इसकी कौन सी ऐसी खास डिश है जो मैं आपको दूंगी फूड रिव्यू उसका। तो आइए चलते हैं। जनाब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है हेरिटेज की ओवरऑल सारी मैनेजमेंट और सब चीज़ें देख रहे हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि विद इन 2 मंथ में हेरिटेज अभी ही न्यूली यहाँ पर रेस्टोरेंट बना है और यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और मुझे भी रिकमेंड किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। भाई इनसे जानते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बता सकते हैं हेरिटेज का क्या एक व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के लिए, आप क्या लेकर आए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखें हमारे इस सुपर हाईवे पे टूल प्लाज़ा के नियरेस्ट अबाउट कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कोई ऐसा प्लेस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे आपको चाइनीज़, कॉन्टीनेंटल, पाकिस्तानी एंड लाइव डिशेस वगैरह सारी की सारी अवेलेबल है। फर्स्ट, सेकंड थिंग ये कि वेडिंग सेरेमनी और इसके अलावा बर्थडे एंड ऑल लोकेशंस लाइक जिस तरीके से ऑलमोस्ट कराची में लॉकडाउन के दौरान टाइमिंग्स वगैरह का काफ़ी इशू रहता है, तो हम उन चीज़ों को भी लेकर हम लोग गैदर कर रहे हैं। गैदर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि लाइक कोई बर्थडे आगे, कोई इवेंट्स या कोई वलीमा की सेरेमनी आगे, तो हम उनको भी मतलब लाइक इधर करते हैं। और सेकंड ये कि जिस तरीके से आप ये हमारा व्यूज़ देख रहे हैं, ये हमारा फैमिली एरिया है, ये हमारा स्टैक्स एरिया है, और इन फ्यूचर हमारी यही प्लानिंग है कि जिस जगह पर हम लोग ये हेरिटेज के जो रूफ टॉप 1 पे जो खड़े हुए हैं, इन फ्यूचर हम इसको एज़ पर स्टैक्स और एज़ पर बॉयज़ के लिए हम लोग ओपन करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में वुमेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मेंस को और बॉयज़ को मतलब यानी कि थोड़ा सा वो लो कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर बिफोर रमदान ये हमारा सेक्शन पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा फॉर द बॉयज़ एंड स्टैक्स के लिए। वाओ, ये सही। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनका ये जो हम रूफ टॉप पे भी मौजूद है, और इसके अलावा मैं आपको किचन इनसाइड में भी लेके जाऊँगी, यहाँ पे किचन में क्या क्या ओवरऑल यहाँ की क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं और यहाँ पर कौन कौन सी स्पेशलिटी है। यहाँ पे आप नॉर्मल देख सकते हैं यहाँ पे लोग फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा आते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो रूफ टॉप भी मेनटेन हो जाएगा। अभी हेरिटेज को आए हुए सिर्फ 2 मंथ हुए हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ का बहुत अच्छा फीडबैक है। तो आइए चलते हैं किचन में लेके जाते हैं और ओवरऑल बाकी लोगों से भी बातें करेंगे और आपको बताएंगे। तो मैम आपको ले आई हूँ हेरिटेज के किचन में, और यहाँ पर सबसे खास चीज़ है इनकी, वो है इनकी कटाकट। कटाकट ओवरऑल आपने खाई होगी, लेकिन यहाँ पर आप ट्राई करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से बन रही है। मेरे साथ यहाँ पे गुल खान यहाँ मौजूद है जिनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे बताएं कटाकट में अभी क्या बना रहे हैं आप? कटाकट में ये तवा कीमा। तवा कीमा जी। अच्छा, तवा कीमा, सही, मटन का तवा कीमा। ठीक है, तो अभी आप वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से बनाते हैं। यहाँ का जो कटाकट है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ओवरऑल यहाँ क्या है बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बन रही है कटाकट। कटाकट की क्या प्राइस है? 850। ठीक है, मतलब मुनासिब प्राइस है, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसमें कौन से कोई ख़ास मसाले यूज़ करते हैं आपके अपने, कोई सीक्रेट मसाले या हेरिटेज का कोई सीक्रेट मसाला होता है या बस वो नॉर्मल जैसे बाकी होते हैं? कटाकट की वो ख़ास मसाला कोई है? जी, मसाला हमारे कटाकट के यही मसाला है। अच्छा, लाल मिर्च, व्हाइट पेपर है, जीरा है, वो या आपके हाथों का जादू है? जी, या आपके हाथों का जादू है? जैके की बात है। किचन में मौजूद हूँ और मेरे साथ शेफ रहील है यहाँ पर, जो ओवरऑल सारी यहाँ पर मैनेजमेंट देख रहे होते हैं, यहाँ पे कढ़ाई देख रहे होते हैं, कटाकट देख रहे होते हैं जो कि बहुत मशहूर है, यहाँ का बाबी क्यों, यहाँ का कॉन्टीनेंटल। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि विद इन 2 मंथ में इतनी अच्छी हाइप बन गई है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या टेस्ट है हेरिटेज का, और आपने क्या, आपके ऐसे कोई ख़ास बात है यहाँ पर? एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट है, आजकल लोग हाईवे की तरफ ज़्यादा
आ रहे हैं। तो मतलब रेस्टोरेंट शहर में जो है छोटे छोटे रेस्टोरेंट तो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमने फोकस किया है कि जो फैमिलीज़ को बड़ी बड़ी फैमिलीज़ की दावतें होती हैं, तो हमने फोकस किया है कि मतलब वो यहाँ पर आएँ, अपना फूड इन्जॉय करें। हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं यहाँ पर, बारबेक्यू भी है, कढ़ाई भी है, कॉन्टीनेंटल चाइनीज़, और बहुत अच्छी क्वालिटी। आप जब आएँगे यहाँ पर तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पास सारी चीज़ें हैं, इनके पास कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, और कैटेगरीज के साथ साथ यहाँ का टेस्ट या का म्यार बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आपको लेके जा रही हूँ कढ़ाई वाली साइड पर, जहाँ पर बनती है इनकी कढ़ाई, तो ये मुझे साथ साथ बताएंगे। तो अभी जो है यहाँ पर कढ़ाई बन रही है, कौन सी कढ़ाई बन रही है? कढ़ाई यहाँ पे हमारे पास मटन स्पेशल कढ़ाई है हमारी। अच्छा, फेमस है यहाँ की, तो बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा चिकन में भी हमारी स्पेशल है, हर कैटेगरी में हमारा एक स्पेशल चल रहा है। चिकन में भी, मटन में भी, हर चीज़ में हमारा एक स्पेशल है। कढ़ाई वाला सेटअप है, यहाँ पर कढ़ाई बन रही होती है और ओवरऑल सारी चीज़ें बनती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतने इनके पास ऑर्डर्स है, बाहर इतना सारा रश लगा हुआ है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं किचन विन साइड में। अब आपको लेके जा रहे हैं हम लोग चाइनीज़ वाली साइड पर। तो चाइनीज़ में क्या क्या बन रहा होता है ओवरऑल? चाइनीज़ में हमारे पास बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, जिसमें चिली ड्राई है, सिचुआन है, मंचूरियन है, अच्छा फ्राइड राइस है, वो बहुत हमारे स्पेशल हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्टीनेंटल में हमारे जो स्टेक्स हैं वो बहुत ही अमीर। मैंने बहुत सुना है इनका कि यहाँ पर यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, कस्टमर आते हैं, तो वो स्टेक तो लाके मंगवाते हैं, उसकी तारीफ भी बहुत करके जाते हैं। वाओ, ज़बरदस्त हो गया। फिर तो ये तो मुझे भी रिव्यू देना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा इसमें। उसके अलावा बारबेक्यू में कौन सी खास बात? बारबेक्यू में हमारा एक प्लेटर है। अच्छा, 8% का भी है, 4% का भी है, तो मतलब जब कस्टमर आते हैं तो मतलब एक बड़ा सा साइज़ का प्लेटर उनके पास आता है टेबल पे, तो हाँ वो तो नॉर्मल कबाब्स होते हैं, चॉप्स होते हैं, चिकन बोटी होती है, मलाई बोटी, तंदूरी बोटी, लेपनीज बोटी, बहुत सारी वैरायटीज है प्लेटर में। उसके ऊपर नीचे बैट होती है उसकी, राइस की, पुलाव की, उसके ऊपर उसकी कबाब और रोटियाँ होती हैं। फेमस डिश है वो ये है, तो ये रेडी हो रही है। बिल्कुल, ये हमारा स्टेक है, बहुत पसंद करते हैं इसको। जब गैस के पास ये जाता है, जाते जाते गैस के पास जब पहुँचता है, ये जब भी आपका स्मोक उठ रहा होता है। अब हेरिटेज की ऐसी न्यू डिश आपको प्रोड्यूस करवाने हैं जो होने वाली है, और बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक डिश जो है वो हेरिटेज में फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस करवा रहे हैं यहाँ पर, और इसके बारे में बताएंगे कौन सी ऐसी डिश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आप कौन सी ऐसी डिश लेकर आ रहे हैं? अच्छा, हमारे पास अब आपके चैनल के थ्रू हम लॉन्च करना चाह रहे हैं स्पेशल कटागट कढ़ाई। वाओ, मतलब अभी तक बहुत कम जगहों पर, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगी, आपके चैनल के थ्रू हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हमारे पास कटागट कढ़ाई लॉन्च हो। सही। तो ये भी है हमारी अच्छा इन्वेंट की हुई रेसिपी है ये। अच्छा, तो वो आप देखें, दिखाएं अपने व्यूअर्स को। ये हाँ बिल्कुल, ये कटाकट जो है ये फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं यहाँ पर, और ये कटाकट बहुत स्पेशल होने वाली है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, सुपर हाईवे पर आएंगे और हेरिटेज पर आना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इसमें कौन सा खास मसाला यूज़ करेंगे? इसमें हमारे मतलब अपने स्पेशल मसाले हैं जो सीक्रेट्स होते हैं। अच्छा, ये सीक्रेट्स हैं, ये हमारे स्पेशल है, तो हम इसको हम बता नहीं सकते। नहीं बता सकते, इसलिए हम सिर्फ दिखा सकते, तभी आप देख सकते हैं किस तरह से रेडी होगी। तो अब ये आ चुका है कटाकट। तो कटाकट जो है इनकी बहुत ही स्पेशल डिश होने वाली है, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, और हेरिटेज की सबसे स्पेशल डिश है जो ये बनाएंगे। इसके अंदर क्या ट्राई करेंगे? अच्छा, पहले से इसको यहीं पर ही आपने बॉईल किया, ये बॉईल चिकन यूज़ किया? यहीं पे बॉईल किया। अच्छा, यहीं पे बॉईल किया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कटाकट में पानी को हमेशा रखते हैं साइड पे, उसकी तरफ से उसकी स्टीम से भाप से चिकन और जो चीज़ वो बनता है, भाप से बनता है। ठीक हो गया। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये रेडी हो रही है। ओवरऑल इस पर कौन कौन से यहाँ पर आ चुका है ऑयल, तो ये एक इनकी स्पेशल कटाकट कढ़ाई है जो कटाकट होगी इसके साथ। ये चिकन के पीसेस वगैरह, तवा कढ़ाई, चिकन तवा कढ़ाई, चिकन तवा कढ़ाई। तो अब आप जिस तरह से देख सकते हैं कि इन्होंने चिकन को अच्छे तरीके से कर दिया, और ये इनकी मेन चीज़ है। तो अब इसमें आप इसे अच्छे तरीके से कटाकट करेंगे। तो इसमें कोई मसाला वगैरह यूज नहीं होगा? मसाला डालेंगे इसमें। अच्छा, डालेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर जो है, अब इसको चिकन को भी अब कटाकट करेंगे आप? नहीं, चिकन सालक रहे। सही रहेगा। ये हो गया कंप्लीट? हो गया। 5 मिनट, बस 5 मिनट रह चुके हैं। विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी ये कटाकट तवा चिकन रेडी हो जाएगी।
अब हम आ चुके हैं बारबेक्यू वाली साइड पर, तो जो इनके शेफ़ हैं जो ओवरऑल सारे बारबेक्यू देख रहे होते हैं, तो अब ये क्या चीज़ यहाँ पे रेडी हो रही है और कौन सी चीज़ दिखा रहे हैं? मटन। अच्छा, मटन, मटन के शाही कबाब। मटन के शाही कबाब, ओके वाओ। ये हमारे बहुत यमी है, इसके ऊपर हम जो है ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर बहुत सारे इसके ऊपर स्प्रिंकल किए जाते हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे आके। डन हो गया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बन रही होती हैं? इसके अलावा हमारे बहुत सारी वैरायटी है बारबेक्यू में। बारबेक्यू हमारा बहुत स्पेशल है यहाँ पे। अच्छा, जो हमारे यहाँ पे शेफ हैं बारबेक्यू के, बहुत ज़्यादा बहुत ही मज़े का है, वो बारबेक्यू बना के देते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, तो अब मेरा टाइम आ चुका है प्रॉपर फूड रिव्यू का, तो अब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी प्रॉपर फूड रिव्यू। तो जनाब, मेरा फूड रिव्यू का टाइम आ चुका है हेरिटेज रेस्टोरेंट पे, और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत ही हटकर एक न्यू डिश, वो है चिकन स्टिक। चिकन स्टिक यहाँ की बहुत मज़े की और बहुत फेमस है, जहाँ पे लोग दूर दूर से सुपर हाईवे पे आते हैं इसको टेस्ट आउट करने। तो हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये चिकन है और इसके ऊपर नॉर्मली ये स्टिक होती है, और इसको हम ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं ओवरऑल। तो Let's start. तो इसको मैं अब यहाँ से और साथ में इसको, मतलब कि ये तो बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत गर्म है, इट्स यूनिक। और इसके साथ इन्होंने फ्राइज़ भी दिए हैं, आप फ्राइज़ भी ट्राई कर सकते हैं। अब जो मैं ट्राई करने वाली हूँ वो मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, ये भी रिफ्रेंड की बहुत ज़बरदस्त है, इसका ट्राई करते हैं आपको बताते हैं। तो ये आ जाती है, तो इसका पैसे करके ट्राई करते हैं। मतलब नॉर्मली यहाँ की सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन यहाँ की सबसे चीज़ है जो एक इनका कॉन्टिनेंटल है वो बहुत ज़बरदस्त है। वाओ, मतलब आप चीज़ देख सकते हैं, इसकी ऊपर सारी चीज़ की हुई है, आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ। सिर्फ ये चीज़ है, मतलब इट्स अप टू यू जिसको आप चीज़ के साथ ट्राई करें, जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ। चिकन मलाई बोटी ट्राई करने वाले हैं, बहुत मज़े की, इसके साथ इन्होंने चटनी भी दी है, तो मैं इसको ट्राई करती हूँ आपको बताती हूँ। चिकन मलाई बोटी भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जो इनकी चिकन स्टिक की बात है वो ओवरऑल ऐसा टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ सुपर हाईवे पर। विद इन 2 मंथ में इन्होंने अपनी डिश से लोगों के दिल जीतने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फैमिलीज आती है, यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने भी बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप आएँ यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे आकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे दीजिए इजाज़त, आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट रिव्यू पर। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।